Hi guys, welcome back to my channel. So this is Alina Mirza and today's video is not like normal vlogging. It's just an update and I'm going to be teaching those who don't know how to fill the UGC NET form. So for all those who are willing to fill the UGC NET form, I will be helping you, telling you how easily you can do it. So my background is basically science, so this is not something that I have to fill, but I just want to teach people how they can fill the form easily at the comfort of their home. So UGC NET ka form aa gaya by the way. So ab hum dekhte hain ki use kaise fill karna hai. Main aapko गाइड करती हूँ स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल इट. CSIR का भी नहीं आया. सो जो लोग UGC NET, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन CSIR एंड UGC NET, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी उसके लिए. सो UGC NET इज फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड एंड CSIR इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स. सो या ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाके आपको टाइप कर देना है UGC.net.NIC.in. सो जब आप ये टाइप कर देंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जिस पे आपको क्लिक करना है. और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पर लिखा आ रहा है UGC NET June 2024 registration/login. आपको यहाँ पे क्लिक करना है. तो अगर आप नए हैं, नया अकाउंट बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है. यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर आई हैव डाउनलोडेड इस पर अग्री कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए. फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है कोई भी एक ऑप्शन. आई वुड सजेस्ट कि आप आधार कार्ड नंबर डाल के आगे रजिस्टर कर सकते हैं. फिर एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस कन्फर्म करना है. फिर उसे फिर आप अपना जेंडर डालेंगे, मोबाइल नंबर उसे कन्फर्म करना है, कोई अगर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं. बाकी और सारी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स दे आर आस्किंग, आपका स्टेट, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, पिन कोड, सारी चीज़ें आप अपनी फिल कर दीजिए अपनी. और अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, मैंने ये फिल कर दिया. फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है. पासवर्ड की कंडीशंस ये बता देंगे क्या करना है. फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, उसका आंसर रखना है. तो पासवर्ड आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें आपको एक अपर केस, एक लोअर केस लेटर यूज़ करना है, साथ में कोई भी आपको एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है पासवर्ड के लिए. और फिर सिक्योरिटी पिन डाल के जस्ट कंफर्म, अच्छे से आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए. और चेक करने के बाद जस्ट सबमिट इट. आफ्टर सबमिटिंग इस तरीके का प्रीव्यू पेज आ जाएगा, इसमें आप एक बार फिर से फाइनल अपना अच्छे से चेक कर लें, बिकॉज चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गलत डिटेल्स डालेंगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सारे इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस. तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करके आपको यहाँ पे टिक करना है, सो दैट यू आर जस्ट कंफर्मिंग कि हमने इसे दोबारा से अच्छे से चेक कर लिया है. उसके बाद आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ के आई अग्री पे क्लिक करना है एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है, सो दैट आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा तो आप फ़ोन से वेरीफिकेशन कर सकते हैं. अब आपको OTP डालना है जो भी आपके फ़ोन में आया है रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, और सिक्योरिटी पिन डाल के अगेन यू जस्ट हैव टू वेरीफाई. सो अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हो गया है, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आप उस नंबर को यहाँ डाल के लॉगिन कर सकते हैं और अपना पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन डालिए. तो रजिस्ट्रेशन हो गया आपका. तो अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट करना है. तो कम्प्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है. तो पर्सनल डिटेल्स हमने ऑलरेडी डाल दी थी, थोड़ा बहुत जो भी मिस हो गया वो डाल के आपको कैप्चा एंटर करना है. फिर अगेन आपको सबमिट करना है. तो आपकी सारी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी. तो आपको ओके पे क्लिक करना है. फिर नेक्स्ट पेज आएगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स. तो इससे पहले आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी डाल दी थी, अब पर्सनल डिटेल्स में भी आपको सारी चीज़ें डालनी है, जैसे आप डायबिटिक पेशेंट हैं कि नहीं है, या फिर आप कौन सी आपकी कैटेगरी क्या है, इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें आप डाल के agree to the terms and conditions करके you just have to save and submit. Now your personal details are saved also. अब इसके बाद आती हैं qualification details, जिसके अंदर आप अपना जो भी subject है वो सब डालेंगे, मतलब आपने कौन से उससे master से करना चाह रहे हैं, grad से करना चाह रहे हैं, फिर आपका passing year क्या है, ये सारी details डाल के फिर आपको अपनी CGPA और ये सारी चीज़ें बतानी है कि आपकी percentage क्या है, CGPA क्या है, maximum grade point 10 होता है.
then you just have to agree the terms and condition and submit and just qualification details save successfully. ओके देन इसमें आपका एडिशनल डिटेल्स भरनी है जिसमें आप नो नो कर दीजिएगा, ये PhD से रिलेटेड है बेसिकली. फिर आपको ये भी एडिशनल डिटेल्स जो है सेव्ड हो जाएंगी आपकी सक्सेसफुली. देन लास्ट इज ऑलमोस्ट लास्ट, दिस इज़ द एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स. यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस वगैरह भर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. फिर सिक्योरिटी कोड कैप्चा वगैरह डाल के अग्री करिए टर्म्स एंड कंडीशंस को एंड देन गो एंड अगेन सेव. बाकी अच्छे से चेक कर लीजिएगा ये प्रेफरेंस वगैरह अपनी. और या इसके बाद फिर मैं आपको वैसे ही बताती हूँ क्योंकि मुझे आगे नहीं कंटिन्यू करना है. सो आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर, देन फाइनल सबमिट करना है. उसके बाद आपको मोबाइल की वेरिफिकेशन करनी है, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा. उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. आई होप द वीडियो इज़ क्लियर.